सवाल ऐसे नहीं आता, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, और तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा। जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, जो झूठ बोलती है, जो जुल्म करती है, जो धोखा देती है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे, जिल्लत मुकद्दर है इस जहान में उस जहान। कौम हो, फर्द हो, औरत हो, मर्द हो, जुल्म है, झूठ है, धोखा है, रब जुल जलाल की कसम, जिल्लत के सिवा कुछ ना मिलेगा। जो सच बोलता हो, जो अदल करता हो, जो दयानतदार हो, उसके लिए इज्जत मुकद्दर हो गई, हो गई, हो गई। सच एक फर्द में है, अदल एक फर्द में है, दयानत एक फर्द में है, एक कौम में है, इन्हें इज्जत देना यकीनी हो गया, मेरा अल्लाह इन्हें दे के रहेगा, चाहे वो अल्लाह को मानते हैं, चाहे अल्लाह का इनकार करते। आगे आखिरत का मसला अलग है, यहां यहां कौम, फर्द, कबीला, कोई मजहब, पत्थर का पुजारी, आग का पुजारी सच बोलता है, जुल्म नहीं करता, दयानतदार है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे इज्जत की जिंदगी देगा। रात का तहज्जुद गुजार, दिन का रोजेदार, कहीं जुल्म करता है, कहीं झूठ बोलता है, कहीं धोखा देता है, जिल्लत उसके माथे पे लिख दी जाएगी, और मौत के बाद की जिल्लत भी साथ उठेगी। तो अल्लाह को राजी करो कैसे? कबीरा गुनाहों से बचकर, उसके सामने सर झुकाकर। दूसरा काम, अल्लाह के बंदों के साथ मामला करो। सारा मामला दो हदीसों में बता देता हूं, दो हदीसों, कि ये दो काम कर लो, सारी दुनिया के महबूब बन जाओगे, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे, मियां बीवी में मोहब्बत कायम हो जाएगी, सास बहू में मोहब्बत हो जाएगी, बाप बेटे में मोहब्बत हो जाएगी, माँ बेटी में मोहब्बत हो जाएगी, भाई भाई में मोहब्बत हो जाएगी। दो काम कर, इन दो में सब कुछ छुपा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया, माज अला उम्बिउका बिमिला के हादा कुल्ली, पूरी हदीस। माज बिन जबल ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ जन्नत के जाने का रास्ता तो बताएं, जन्नत में जाने का रास्ता तो बताएं। अम्बिनी बिअमलन युदखिलुनी अलजन्ना, साहब ने कहा, सअलत अन अम्रिन अज़ीम, बहुत बड़ी बातों ने पूछी है, तुकीमुस सलात अलमक्तूबा, तुअद्दी सलात अलमफरूदा, वतसूम रमादान, वतहुज अलबैत, माज नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना। फिर आपने फरमाया, इनशीता अम्बातो कब अबवा बिल जन्नत, अब अगर तू चाहे तो कुछ और बताऊं, जन्नत के दरवाजे बताऊं, कज बताएं, का असौ मजुन्ना, रोजा जहन्नम और तेरे दरमियान बीच में रुकावट बन जाएगा। अस्सदका तो तुतफिउल खतिया, छुप छुप के अल्लाह के नाम पे देना तेरे गुनाहों को धो देगा, पाक कर देगा। वक्याम और रजल फी जौफिल्लैल इब्तिगा वजहिल्लाह, और रात के अंधेरे में खड़े होकर अल्लाह से बातें करना, दो नफली पढ़ लिया करो किसी मर्द औरत का रात के अंधेरे में खड़े होकर। फिर आपने कहा, माज अला उम्बियो का बेरासिल अम्र व उमूदिही व ज़िरवत सिनामिही व बिमिला के हादा कुल्ले, ए माज मैं तुम्हें अब सारे दीन का खुलासा बताऊं, सारे दीन का सिरा बताऊं, सुतून बताऊं, एक रिवायत के मुताबिक सुतून बताऊं, आखिरी चीज बताऊं, आखिरी चीज बताऊं। कहा, जी माँ हुआ, माँ हुआ जी, तो मुझे देखना सारे भाई। तो आपने अपनी जबान निकाली और उसे यूं पकड़ा, माज कुफ़ हादा, माज अपनी जबान पे काबू पा जा, ये मेरी पूरी शरीयत है, ये पूरा दीन है,
ये किसको समझाया है? माज को। कैसे समझाया? जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, एक्शन करके। सिर्फ इतना भी तो काफ़ी था भाई, ज़बान की एहतियात किया करो। ऐसे समझाया जैसे छोटा बच्चा, क्यों कि मुश्किल तरीन काम है। 22-व्हीलर ट्राले को ब्रेक लगाना आसान है, ये 2 इंच की जबान को ब्रेक लगाते हुए सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। और जितना आज घरों में फसाद है उसके पीछे ये जबान है। और ये कौन है जिसको मासूम बच्चे की तरह समझाया है? माज बिन जबल। और माज बिन जबल कौन है? मेरे नबी ने कहा क्यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा माज के हाथ में होगा। और ये कौन है? मैं पिछले मई में गया हूँ, ये मई जो गुजरा है, उर्दुन हमारा इज्तम था तबलीग का, मैं वहाँ गया, अम्मान में आगे इरबिद गए, इरबिद से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे हज़रत माज का मकबरा है, बाप बेटा दोनों वहाँ दफन हैं। हज़रत उमर के ज़माने में इंतकाल हुआ, जब मैं अंदर गया तो ऊपर लिखा हुआ था तारीख वफात 18 हिजरी और अब है 1435 हिजरी। 1417 साल उस आदमी को दुनिया से गए हुए हो चुके हैं। जब मैं मकबरे में दाखिल हुआ, कमरे में जिसमें कब्र थी, सारे कमरे में खुशबू ही खुशबू। कब्र पर 2-4 चादरें पड़ी थी, मुझे ख्याल आया कि मेरे ख्याल है ये चादरों पे खुशबू लगी हुई है, वो खुशबू आ रही। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी, मस्जिद करीब थी, मगरिब की नमाज पढ़ के फिर दोबारा आया। फिर मैं खड़ा होकर सोच रहा हूँ ये कैसी खुशबू है। तो एक आदमी मेरे पास खड़ा था, मैं वो ऐसे करके ना चादरें सूंघने की, मैं शायद ये चादरों में खुशबू लगी हुई है। एक आदमी मेरे पास कहने लगा जनाब ये खुशबू चादरों में नहीं है, ये इस कब्र वाले की खुशबू, ये 24 घंटे आती रहती है 24 घंटे। फिर मैंने फिजिकली एक एक चादर को सूंघा, किसी एक चादर में कोई खुशबू नहीं थी। ये वो माज है जो 1417 साल हो चुके हैं मरे हुए और कब्र महक रही है। मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा, आंखों देखा बता रहा हूँ, खुद गया हूँ, खुद ये मई जो गुजरा है उनको ऐसे बता जो छोटे बच्चे को। माज जबान पे काबू रखना, अगर जबान पे काबू आ गया तो मियां बीवी की लड़ाई खत्म। अगर ये तो हो नहीं सकता कि ऊंच नीच ना हो, कभी खामिन तेज होगा तो बीवी जबान पे काबू पा ले, कभी बीवी तेज होगी खामिन जबान पे काबू पा ले। अगर दोनों ही सीख गए तो इनका घर जन्नत बन जाएगा। कभी सास उखड़ेगी तो बहू चुप कर जाए, कभी बहू उखड़ेगी तो सास चुप कर जाए, कभी बाप उखड़ेगा तो बेटा चुप कर जाए, कभी बेटा उखड़ेगा तो बाप चुप कर जाए। दावा ना करे कि मैं बाप हूँ, मेरे आगे बोलता है। इंसान इंसान है, खता होती है। अगर आप भाई ये पीछे नीचे मस्तूरात भी हैं, अपनी जबान पे काबू पाना सीख लें। किसी को दुख देने वाला बोल ना बोले। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आपने फरमाया मुसलमान है ही वो, मुसलमान है ही वो जो हाथ और जबान से किसी को दुख ना पाए।